विजेंद्र धारीवाल प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा। ये बताएं आज किस तरह की मीटिंग है? आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति की जिला और राज्य कार्यकारिणी की हमारी मीटिंग है। जैसा कि आपको विदित है, लोकसभा चुनाव से पहले हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल करती है तो उनका धन्यवाद करेंगे, अगर नहीं करती तो निश्चित तौर पर उनका लोकसभा के दौरान जो हमारा संवैधानिक अधिकार, वोट का अधिकार है, हम उसका प्रयोग करके इस सरकार को एक सबक सिखाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं वो सरकार को मिला भी है। उसके बाद आप पूर्व मुख्यमंत्री के बयान देख रहे होंगे कि लगातार कर्मचारियों के ऊपर अपनी जो हार का ठीकरा फोड़ने की उनकी कोशिश जारी है। और आगामी जो हमारा आंदोलन, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव से पहले 3-4 महीने का समय है, इस दौरान हम चाहते हैं कि ये सरकार पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, हमारी बात को सुने, उसको लेकर राज्य कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की हमने मीटिंग पूरे जिले राज्य की यहाँ पर बुलाई है और एक मजबूत रणनीति के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। और इसके अंदर हमारे साथियों के बीच में चर्चा हो रही है कि हो सकता है अब हम मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारी की तरफ बढ़ेंगे और उसके लिए आज एक डेट निर्धारित करके और मुख्यमंत्री आवास घेराव की या बड़ी रैली की आज घोषणा करने की तैयारी चल रही है। क्या चुनाव से पहले फायदा उठाने की? नहीं, फायदा ये चुनाव से पहले का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन तो हमारा 6-7 सालों से लगातार जारी है और पहली बार आंदोलन नहीं हो रहा। आपने देखा होगा 11 फरवरी 2022 को, फिर 19 फरवरी 2023 को, फिर 24 में भी हमने लगातार दिल्ली की रैलियां करी हैं, साइकिल यात्रा हमने निकाली हैं, सरकार के लाठी डंडे आंसू गैस के गोले हमने सहे हैं। तो उस समय तो चुनाव नहीं थे। ये मांग कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा की है, उनके भविष्य से जुड़ी हुई है, आम परिवारों से जुड़ी हुई मांग है। इसीलिए ये आंदोलन ना तो चुनाव से में फ़ायदा उठाने का है, ये केवल और केवल अपने संवैधानिक अधिकार को पुनः प्राप्त करें। कहीं ना कहीं वह भावनात्मक तौर पर लिया गया फैसला है और हालांकि हम हिंसा को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करते और ना हम ये चाहते कि इस तरह की किसी भी तरह की घटनाएं हों, लेकिन जो आजकल नेता या फिल्म एक्टर जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी भी किसी तरह से सैद्धांतिक तौर पर ठीक नहीं है। शुरुआत एक जगह से नहीं, दोनों तरह से शुरुआत हुई है। अगर पहले इस तरह के किसान आंदोलन का जिस तरह उदाहरण वहाँ पर दिया गया, अगर उस तरह की बयानबाजी ना होती तो शायद ये थप्पड़ कांड वगैरह ये भी ना होता। तो दोनों को समझने की ज़रूरत है, कर्मचारियों को भी भावनात्मक तौर पर इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं अपना विरोध दर्ज करवाने के, हिंसा की जगह हिंसागत सहारा लेते हुए अपना विरोध दर्ज करवाना चाहिए। और नेताओं को भी एक आदर्श के रूप में अगर आपको अपने आप को स्थापित करना है तो आपको इस तरह की जो बयानबाजी की गई है, 100-100 रुपये लेकर किसान वहाँ पर बैठे थे या खालिस्तानी बैठे थे या आंदोलन जीवी बैठे, इस तरह की बयानबाजी भी किसी भी तरह से उचित नहीं है। ये देश में हमें संविधान ने अधिकार दिया है, कोई भी वर्ग अपनी मांग के लिए शांतिपूर्वक धरना दे सकता है, प्रदर्शन कर सकता है और उसको हम किसी गलत बयानबाजी के साथ उसको नजायज़ नहीं ठहरा सकते।